वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं जिस सजेशन हमें दी है आशुतोष ने और वीडियो का टाइटल है होली है हंसो और हंसाओ राजू श्रीवास्तव लाइव कॉमेडी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लॉगिन चैनल का लिंक इंस्टाग्राम पे लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आपको याद होगा जब अपने यहाँ टेलीविजन आया हिंदुस्तान में तो सबसे पहला चैनल कौन सा था? दूरदर्शन। दूरदर्शन एकदम गरीब। इसको पहले दिन से किसी ने बजट नहीं दिया। जब देखो गरीबी के प्रोग्राम दूरदर्शन ऑन करो, आज गांव के मुखिया चावल की फसल को चूहों से कैसे बचाएं इसके उपाय बताएंगे। अब जिसकी खेती नहीं है वो भी कहता है बताओ क्योंकि दूसरा चैनल है ही नहीं, जो देखना है इसी को देखना है। और पहले ये चैनल इतना लाड़ में आता था, अकेला था ना, एक बार में ऑन करो तो ऑन ही नहीं होता था। पहले 5 मिनट गर्म होता था उसको ऑन करके पूरी फैमिली ऐसे खड़ी रहती थी, वो धीरे धीरे ही तब तक चित्रहार के 1.5 गाने निकल जाते थे। और तब हम टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो जितने प्रोग्राम आते थे जो उसमें कलाकार आते थे, मैं अपना भी बता रहा हूँ, मैं उनसे जुड़ जाता था। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही होंगे, मुझे नहीं मालूम था ये एक्टिंग कर रहे हैं, जो हम लोग और वो सब सीरियल आते थे पुराने। और रात को 11 बजे उनका एक उद्घोषक आता था टीवी को बंद करने के लिए। अच्छा। नमस्कार, आज की अंतिम सभा समाप्त होती है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अच्छे अच्छे लोग सर्दी में रजाइयों से निकल निकल के आज्ञा देते थे। मेरे दादाजी खुद ठंडी में बाहर, अच्छा बेटा जाओ जाओ आराम करो, जाओ कल फिर आना नहा धो के जाओ। उनको पता ही नहीं कि ये रिकॉर्डिंग दोपहर में ही हो गई है, उसको सिर्फ शाम को दिखाया है। उसके बाद तो चैनल्स की बाढ़ आ गई, ए टीवी, बी टीवी, जी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, ले टीवी, दे टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, केबल, टेबल, डिश, छतरी। इंसान ऐसा पागल हो गया, बारिश में भीग रहा है छतरी नहीं, बिल्डिंग में छतरी लगी वो भी उल्टी, बीच में रखी बाल्टी। प्रोग्राम इतने से, विज्ञापन इतने, निर्मा मेरी मां तेरी मां, पता नहीं चलता था कि साबुन बेच रहा है कि गाली दे रहा है। और ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं कि मेरी जान जलती, भाई साहब ऐसा लगता है मेरी बेइज्जती हो गई। एक ऐड आता है गोरा बनाने की क्रीम, अब फीमेल के लिए वो है फेयर एंड लवली और जेंट्स के लिए फेयर एंड हैंडसम, और करता कौन है? विराट कोहली, जबकि सबको पता है पैदाइशी वो गोरा है। मैं एक दिन मेरे मुंह से निकल गया, अगर क्रीम इतनी अच्छी है तो विनोद कामलिक लगाओ। और विनोद कामली ना मिले तो और एक ऐड ऐसा आता है, ऐसा लगता है कि जब ऐड देखता हूं मुझे लगता है ये जो मेरी बेइज्जती हुई है ये मेरी हुई है, किसी ने देखा तो नहीं। टीवी खोलो ऐड आएगा माचो वो बिहार है माचो मेरे मुंह से निकल गया, हिम्मत है तो पूरा बोल तो बोलता है बड़े आराम से। फिर मैंने पता किया कौन है, तो मालूम पड़ा ये सैफ अली है। अब सैफ अली की गाड़ी जब मेरे को मुंबई में दिखती है मैं अपनी गाड़ी बैठे बैठे बोल देता तू माचो, क्योंकि मैं किसी का रखता नहीं, जिसका लो उसको दे दो, क्यों रखू। ऐसे ऐसे ऐड। अच्छा प्रोग्राम कैसे कैसे आ रहे हैं, सावधान इंडिया और ये क्राइम पेट्रोल वगैरह, ये परिवार जनों को बिगाड़ रहे हैं लोग, सबका एक दूसरे पे विश्वास हट रहा है। घर में मामा है, बच्चा मम्मी को बताते हैं वो आ चुका है, मम्मी कह रही मेरा भाई है, हाँ मगर बाथरूम से निकल नहीं रहा है, इरादे कुछ और है। जबरदस्ती एक दिन मेरे चाचा के घर पे चोरी हो गई, उनका शक सीधा अपने ड्राइवर पे गया, ड्राइवर ने किया होगा, बाद में मैंने बताया आपके यहाँ ड्राइवर है कहाँ। तब चाची बोली हम लोग तो मेट्रो से जाते हैं, स्कूटर भी नहीं। अच्छा विज्ञापन इनका मेन मकसद है माल बेचना, जींस
जीन्स पैंट भाई साहब 60-65 हजार की, 80 हजार की जीन्स ब्रांडेड। मैं गया पूछ के यूं हट गया, पक्का अच्छा। तो हमने कहा इतनी महंगी ये जीन्स क्या फैसिलिटी देती है, क्या आप बाथरूम में नहा रहे हैं तो खुद वार्डरोब से निकल के आते हैं? नहा चुके अब मुझे पहन लो, माल बेचने में लगे हुए। अच्छा है भी ये शादियों में वो सबसे ज्यादा मुझे सिंपैथी होती है जो दुल्हन होती है, अरे इतने का घाघरा उसमें दो दो नैनो कार आ जाएं, गरीब की तो शादी निपट जाए, इतना बड़ा घाघरा होता है, बारिश हो तो पूरी धारा भी अंदर चली जाए। और सब एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी शादी है वही एंजॉय नहीं कर पा रही, इतना बड़ा घाघरा पूरी शादी में सब तो एंजॉय कर रहे हैं और वो बेचारी दुल्हन ही हो। गरीब जैसी कोई हाथ पकड़ के बाहर के उधर निकल। सो इतना बड़ा ये घाघरा होता है, कई बार पहन के अंदर आती हैं तो आधी आ चुकी होती है, दरवाजा बंद करने लगता है, बोलता नहीं बाकी का पीछे है, उसको दो आदमी लिए। इतने चैनल आने से सबसे ज्यादा परेशान कौन है बताइए? इतने चैनल, अब 1000 चैनल हैं, इतने चैनल आने से सबसे ज्यादा तकलीफ में है रिमोट। रिमोट गर्म हो जाता है, आप ऑफिस से घर आते हैं तो देखिए जल्दी रिमोट मिलता नहीं है, वो सोफे के गैप में छुपा रहता है, आपको देख के बोलता आ गया कमीना, अब मुझे अपने हाथ में लेगा, मेरे पूरे बदन में उंगली करेगा। जिसको रिमोट मिलता है खेलना शुरू कर देता है, सोचते ही नहीं कि उसको पेन होता होगा। रिमोट लिया, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, ओ आज मौसम बड़ा गोरी है कलाइया की लाद तुझे हरी हरी चूड़िया, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, रुत है मिलन की साथी मेरे अरे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, डगल लागली कड़ पानी ठेम ठेम गड़, अरे चल गा रानी गाओ या गानी, फिरू या पाखुरा संग, ओढ़नी ओढ़ू तो उड़ी उड़ी जाए, ओढ़नी ओढ़ू तो उड़ी उड़ी जाए, नाना रे वाय नाना से वाय, लगावे लुतू लिपस्टिक हिले ला आरा डिस्टिक, जिला टोप लागेलू। बहुत खूबसूरत ड्राइव का शिखर धवन है, इंडिया इज़ वे गुड पोजीशन, शिखर धवन धोनी के साथ खुलकर स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री विदेश बन गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा सब पड़े अकड़ में अकड़ी ला मेरे पट्टे चिट्टे पड़े घुमड़ी। आशा ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा चिरदिनी तुम्ही ज्यो मा जुगे जुगे आमी तुम्हारी, अल हबीबी ए हबीबी हौ अगीना अलगीना, अल हबीबी ए हबीबी अल हबीबी ये वहां चो यो यो चाओ यो 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 चो चो। बहुत सुंदर पास दिया सतपाल, भारत दो शून्य की पड़े, सेंटर फॉर्ड सतपाल, सतपाल ने पास दिया हरपाल, अच्छा पास दिया सतपाल हरपाल, गोल के बिल्कुल नजदीक सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल सतपाल, सतपाल सतपाल, सतपाल सतपाल, हरपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल। ऐसा लग रहा है दो ही भाई खेल रहे, बाकी लोग चाय पी रहे। प्यार किया नहीं, कहां जा रहे हो? नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या कह रही हो मंगला? पिताजी सुनेंगे तो विष का प्याला पी लेंगे। नहीं नहीं प्राणनाथ ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये दूरदर्शन है, इनकी स्क्रीन हिलती रहती है। और घर के काका कहते हैं अरे ऊपर देखो एंटीने में शायद कौवा बैठा। इतने चैनल के बीच में एक चैनल फंसा हुआ है एफटीवी, फैशन टीवी। फैशन टीवी के बारे में जिसके बारे में घर के बुजुर्ग वगैरह कहते हैं बताइए साहब इतना गंदा आता है, परिवार के साथ देख नहीं सकते, सबको अलग अलग देखना पड़ता है।
एक दिन देखा दादा यही चैनल ढूंढ रहे हैं अकेले रिमोट लिए। मैंने दादा क्या ढूंढ रहे हैं? बेटा वो चैनल लगाओ जिसमें गरीब आदिवासी महिलाएं आती हैं। बड़े का मौत देती। अच्छा दुनिया को ये लगता है फैशन शो, मुझे लगता है हॉरर शो। आप रैंप पे लड़कियों को देखिए फैशन शो में, कभी भी मुस्कुराती नहीं है और सीधा जाती है स्ट्रेट। कई बार डर लगता है इनको मालूम है ना टेबल कहां तक है, और कई बार ऐसे सीधा जाती है गुस्से से भी दूसरी लाइन ऐसे बन के आती है तो अपनी फ्रेंड को हेलो भी नहीं बोलती, पूरे गुस्से से रहती। तो दुनिया के लिए फैशन शो, मेरे लिए हॉरर शो। कैसे बात करें इस कॉमेडी की, वाकई बहुत अच्छी थी। और जिस तरह सिचुएशन उन्होंने जो है वो एक दूसरे के साथ मिलाई है ना आज की भी वीडियो में, बहुत मजा आया। सही उन्होंने टाइटल रखा है होली है हंसते रहो। well, मैं ही कहूंगी कि राजू सर की जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं ना, सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जो आपकी रियल लाइफ की सिचुएशंस होती है वो उनको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि आप वाकई में अपने आप को रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ऐसे। जैसे कि अगर स्पेशली टीवी वाली बात है तो मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने बहुत कमाल का उसको बताया। वाकई टीवी में जो यानी कि पुराने वक्त की बात करें ना, जब दूरदर्शन की बात करें या इधर पीटीवी की बात करें, तो इसी तरह ही होता था। टीवी में यूं लहरें बल खा के आता था चैनल, ऐसे ही चैनल आते थे वो। फिर जैसे जैसे एडवांस होता गया तो सब कुछ जो है बेहतर होता गया। लेकिन अब वाकई इतनी ज्यादा ऑप्शंस आ गई हैं कि हर टाइम आप जो है चैनल चेंज करते रहते हैं। अब तो जमाना और मॉडर्न हो चुका है, अब तो आपको ऐसी एप्लीकेशन मिल जाती है जहाँ पे आपको अनलिमिटेड चैनल मिल जाते हैं। और पता है एक और चीज होती थी वाकई में, जब कुछ पुराने टाइम में कुछ यू नो हम भी चीजें शेयर करते हैं, हमारे एक रिलेटिव होते थे उनके घर में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था उस टाइम पर, क्योंकि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे उस टाइम पर टीवी ज्यादा नहीं हुआ करते थे, किसी किसी के घर में हुआ करते थे टीवी। तो उनके घर में जो टीवी होता था वो बेचारा इतनी मुश्किल से चलता था कि उसको एक जूता मारना पड़ता था और उसके बाद चलता था। और सच में होता था, ये नहीं है कि मैं इसे एग्जैजरेट कर रही हूँ। और वो क्या होता था, पहले तो उसने चलना नहीं, उसके जो बटन है ना उनको हिलाना नहीं है ना, ऊपर से एंटीना वगैरह, फिर जब उसको एक लगाना है ना, एक जूता लगाना, उसके बाद उसकी स्क्रीन आ रहा है। अगर पुराने वक्त की बात करें, जब रेडियो आया था तो नए नए यानी कि शहरों में तो चले चीजें एडवांस होती थी, फिर भी लोगों को खाना होती थी ना हो होती थी। लेकिन अगर गांव की बात करें तो वहां पे जब नया नया रेडियो आया था तो जहां तक हमने सुना है तो लोग कहते थे एक डब्बा आया उसमें लोग बोलते हैं। इतने सीधे लोग वैसे तुम्हें पता है, मैं मौजूद को सॉरी इंटरप्ट करी, बट मौजूद पता है जब हमारे गांव में सबसे पहले रेडियो कहां पर आया था, हमारे घर में, इसलिए मेरे दादा अबू के घर में। हाँ और अबू लेकर आए थे रिमेम्बर, और अबू बताया करते हैं ना इस तरह से हम लोगों को पता, तो वो सारे लोग इकट्ठे होकर सुना करते थे उसको। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद मैं बात करने जाऊंगा साइकिल की ना, तो जब नई नई साइकिल आई थी ना तो जहां तक मैंने सुना लोग कहते थे गांव में कि एक नया घोड़ा आया ना वो घास खाता है ना कुछ करता है। अच्छा नहीं मैंने ये मैंने सुना हुआ है। हाँ साइकिल से बस मुझे ये याद आ गया कि मौसम को जब साइकिल लेकर दी थी तो क्या हुआ था, कि बताया मेरे बड़े भाई को लेकर दी थी, इनको पहले दिन ही साइकिल लेकर दी याद है, उसने वो एक्सीडेंट किया और सारी साइकिल हो गई थी पिचक गई थी रिमेम्बर, मैंने उम्र ने किया था इस तरह से, और उसके बाद बेचारा डर डर के घर आ रहा था। लेकिन ये है कि खैर इससे भी और ज्यादा हम लोग वाकयात आप लोगों को बताएंगे जैसे जैसे टाइम आएगा, बट ये चीजें जब हम डिस्कस करते हैं ना तो हम लोग को पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती
सही बात है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ना फैशन वाले चैनल की, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे एक दूर के जाने वाले हैं, उनके घर ना डिश लगी होती थी, तो उन्हें जो है ना डिश का काफी अच्छा नॉलेज था, तो वो जो है ना अपने घर वालों से चोरी चुपके छत पे छोटा सा टीवी रखा होता था, तो छत पे जाके चोरी चुपके इस तरह के चैनल कैच करके देखता था। ओ रियली? मतलब ओके ओके, मैं क्या कहूँ, मुझे पता नहीं वैसे किसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये कि हाँ ऐसे लोग होते हैं भाई। और क्योंकि बचपन में हम लोग मतलब हमारे साथ ऐसा होता था गाने नहीं देखने, तो ऑब्वियसली फिर कोई ना कोई तो उन्होंने रास्ता निकालना ना देखने। सही बात है, सही बात है। हाँ, बट ये कि ओवरऑल काफी मजा आया हम लोग को वीडियो देखने का। अच्छी चीज ये लगती है हमेशा कि ये एक फैमिली कॉमेडी होती है, अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देख भी सकते हैं और अपनी काफी सारी चीजें रिलेट भी कर। सही बात है। फैशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फैशन उनका बहुत अच्छी सेंस है, फैशन की वॉक भी बहुत अच्छी थी। सही बात है। वैसे फैशन शो की बात करें ना, वाकई जो लेडीज और जेंट्स जो भी जो वॉक कर रहे होते हैं, मॉडल्स वॉक कर रहे थे, वाकई उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता, वो ऐसे आते हैं वैसे यू टर्न लेकर वापस। देखो उनकी जॉब ऐसी है ना, वो लोग अपने कपड़ों की मतलब नुमाइश, हाँ नुमाइश हो रही होती है, हमें वो कपड़े दिखा रहे होते, तो ऑब्वियसली फिर उनकी जिस तरह से एक ट्रेनिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमने ऐसी भी वीडियो देखी हुई है नेट पे के चलते चलते तो आ सही रहे हैं लेकिन स्लिप हो जाते हैं, खासतौर पर लड़कियां, क्योंकि हील बहुत उन्होंने पहनी होती है ना। सच में वो कैसे पहनती इतनी ज्यादा हील, और समटाइम्स वो पैर ऐसे ऐसे हो रहा। आजकल के तो लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है, क्यों अजीब तरह के फैशन देखने को आते हैं लड़कों के लिए भी। हाँ वैसे ये है, समटाइम्स ऐसे ऐसी चीजें कपड़े पहन रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहा था लड़कियों के कपड़े हैं लड़कों के कपड़े हैं, बिल्कुल। हाँ अगर ये भी देखने को, एनीवे गाइस ओवरऑल काफी मजा आया, आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और आप जरूर बताइएगा आप में से दूरदर्शन वाला, फैशन वाला, ये वाली सारी चीजें जो थी हैं वो कैसे रिलेट कर पाते हैं आप अपनी डेली रूटीन लाइफ को, जरूर बताइएगा। बचपन की बातें होगी स्पेशली, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अब हमें देखिए चाहते हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।